पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे हम प्री पास्ट भी कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इसे हम प्री पास्ट भी कहते हैं। और हमें सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट इन दोनों टेंस के बीच में डिफरेंस करना होगा समझने के लिए। जैसा हम देखते हैं, आई डिड एन एम ए इन 2020, मैंने 2010 में एम ए किया। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है, जैसा कि इसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, जो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, पास्ट में हुए एक्शन का समय बताने के लिए। पास्ट में हुए एक्शन का टाइम बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। से आई डिड एन एम ए 2010, 2010 में मैंने एम ए किया। जो एक्शन हुआ है वो 2010 में हुआ है, उसका समय बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, और यदि पास्ट में हुए एक्शन का रिजल्ट बताने के लिए, पास्ट में हुए एक्शन का प्रेजेंट में रिजल्ट बताने के लिए हम प्रेजेंट है परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही अंतर है। अब देखते हैं, आई डिड एन एम ए इन 2010, मैंने 2010 में एम ए किया, तो पास्ट में हुए एक्शन का टाइम बताया है हमने यहाँ पर। लेकिन पास्ट परफेक्ट का प्रयोग यह बताने के लिए होता है कि पास्ट में हुए दो कामों में से पहले कौन सा हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि पास्ट में हुए दो एक्शंस जो कामों में से पहले कौन सा हुआ है। देखो, दोनों ये एक्शन हैं वो किस में हुए हैं, पास्ट में हुए हैं। एक तो प्री पास्ट है कि दोनों ही एक्शन हैं किस में हुए हैं, पास्ट में हुए हैं। एक तो प्री पास्ट है और एक पोस्ट पास्ट है। जो एक्शन पहले हुआ है उसे प्री पास्ट कहते हैं, उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस बी थर्ड में ट्रांसलेशन करते हैं। और जो एक्शन बाद में हुआ है उसे पोस्ट पास्ट कहते हैं, उसका ट्रांसलेशन है हम बी टू में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन या बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। तो देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो गई थी या रवाना हो चुकी थी, पहले एक्शन कौन सा हुआ है, गाड़ी का रवाना होना, गाड़ी का छूटना। तो इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो क्या होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी छूट चुकी थी या रवाना हो चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, आप स्टेशन बाद में पहुंचे हो। व्हेन या बिफोर आई रीच द स्टेशन, इसका हम सिंपल पास्ट में ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे है, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो देखो, रोगी पहले मर चुका है, डॉक्टर बाद में आया है। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन है पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जो एक्शन बाद में हुआ है उसका ट्रांसलेशन है हम सिंपल पास्ट में करते हैं। तो रोगी मर चुका था, पास्ट परफेक्ट, द पेशेंट हैड डाइड, आने से पहले या जब डॉक्टर आया, व्हेन या बिफोर द डॉक्टर केम। यदि इन दोनों सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाते हैं कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी की मृत्यु हुई,
मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद है गाड़ी रवाना हुई। तो देखो जब हम आफ्टर से ट्रांसलेट करते हैं, जो पहले एक्शन होता है उसको पहले रखते हैं, जो एक्शन बाद में होता है उसको बाद में रखते हैं, कि डॉक्टर के आने के बाद है रोगी की मृत्यु हुई। ओके, तो आपको देखना है द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, जो पहले एक्शन होगा उसको किस में करेंगे हम, सिंपल पास्ट में, जो बाद में एक्शन होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे जब हम आफ्टर से जोड़ते हैं। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। इसी प्रकार से मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद है गाड़ी रवाना हुई, तो आप स्टेशन पहले पहुंचे हो। ओके, तो आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसके बाद में हम देखते हैं कि अनफोल्ड फील्ड जो विषय है के लिए हेड का प्रयोग एक एक्शन के लिए होता है। अनफोल्ड फील्ड विश, ऐसी इच्छा जो कंप्लीट नहीं होती है। आई हैड होप्ड, मैंने आशा की, टू टेक ए फर्स्ट इन द एग्जाम, एग्जाम में फर्स्ट आने की मैंने आशा की थी, लेकिन नहीं, वह नहीं आया। तो यहाँ पर अनफुल फील्ड विश के लिए हमने इसका प्रयोग किया है, हेड का प्रयोग किया है।